हिस्ट्री है और इन्होंने इस बेज़ा करके रखा है और ये प्रॉफिट और नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं इस पहाड़ के। शायद लाइट एज प्रिजर्वेशन कैसा चल रहा है। सो दोस्तों आपको अंदर ले चलते हैं। पुराने से अस्सलाम वालेकुम। ये बेहतरीन नज़ारा मैं आपको पीछे बैक करके दिखाऊंगा। चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए तो आपको वहाँ भी ले चल रहे हैं और दिखाते हैं साइड में भी आगे चल के। जो रेस्टोरियल पार्ट है उसको प्रिजर्व करने का ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी इसको स्वागत करता हूँ आपका अलूला के ओल्ड टाउन से। अभी हम अलूला के ओल्ड टाउन में आ गए हैं जो कि बहुत ही पुरानी रिच हिस्ट्री है इसकी। अराउंड 3000 से 4000 हिस्ट्री है और इन्होंने इस प्रिजर्व करके रखा है। और ये प्रॉफिट साले इस्लाम जिसको मदीन साले कहते हैं अरबी में, उनकी जगह है, उनकी बस्ती यहाँ पर थी, उनका टाउन था ये, उनका शहर था। तो ये शहर आप देखें और हमारे साथ इंजॉय करें। अभी हम इसके एंट्रेंस पे हैं, आपको हम अंदर ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे और आपको इसका एक टूर भी देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं पीछे हमारे साथ। ओके सो दोस्तों चलते हैं अंदर, आपको ले चलते हैं। अर्जुन भाई हमारे साथ आए हैं। हाय अर्जुन भाई। हाय कैसे हैं? बस ठीक हूं। तो पहाड़ की सूरत यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से बनी हुई है। ये इस तरह से कुछ इसका फिगर बना हुआ है पहाड़ का। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है और नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं इस पहाड़ के। शायद लाइट के इफेक्ट की वजह से कुछ वीडियो सही नहीं आ पा रही है क्योंकि अपोजिट लाइट में मैं जा रहा हूँ। हाँ ये देखें ज़रा, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। तो दोस्तों इसी तरह से आपको ले चलते हैं आगे दिखाते हैं। सो दोस्तों आपके साथ हम अंदर चलते हैं। फिलहाल लोकेशन पर हम आ गए हैं और पीछे पूरी की पूरी ये हेरिटेज कॉलोनी इधर बनी हुई है। तो आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इनका हेरिटेज प्रिजर्वेशन कैसा चल रहा है। और अलग अलग टाइप के कॉफ़ीज़ वगैरह स्टोर हाउस हैं यहाँ पे। तो अभी तक तो ठीक है और पीछे तो नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। पीछे देखें जो वैली है काफ़ी खूबसूरत है और ये दूर तक बिल्कुल पीछे फैली भी है। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है और सीन है। तो दोस्तों आपको अंदर ले चलते हैं। पुराने शहर अस्सलाम वालेकुम। सो पुराने शहर की तरफ चलते हैं हम लोग अंदर। तो ये शहर की वैली की तरफ हम आ गए अंदर और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। इस तरह से आगे चल के आपको दिखाते हैं जैसे जैसे अंदर जाते हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे अंदर जाने के लिए। पुराने शहर की गलियाँ हैं और ताकि इन्होंने रूफ भी दिया रखा है काफ़ी ज़बरदस्त। तो बेहतरीन नज़ारा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे आ करके। आप देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी गली और सुरा। हेलो अर्जुन भाई कैसे हैं? तो ये उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, ये देखें ज़रा पीछे। ये बिल्कुल ये बेहतरीन नज़ारा मैं आपको पीछे बैठ कर। ये सारी गली है, इधर से एंट्री किए थे और ये घर नंबर है, हाउस नंबर है। इस तरह से हम आगे चलते हैं आपको और दिखाते हैं क्या है प्रिजर्व किया हुआ इन्होंने। और इस तरह से एंट्रेंस पॉइंट है। और किफा लक्ष्य क्विज। सो इस तरह से ये गलियाँ काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। आप देख सकते हैं क्या नज़ारे हैं। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और आपको आगे ले चलता हूँ। इस तरह से आप देखिए पूरा शहर इन्होंने बनाया है ओल्ड टाउन ताकि गर्मी के मौसम में उसका असर कम किया जा सके। तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है यहाँ पे और अभी भी इसको फिर से रिस्टोर करके इन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसका बनाया हुआ है। तो ये इस तरह से घर मार्केट शॉप कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है एक्चुअली। और धूप धूप से रोशनी बड़ी ज़बरदस्त आ रही है यहाँ पर।
और ये डबल स्टोरेज बिल्डिंग है। तो ये इनका प्रिजर्वेशन है पूरा यहाँ पे जो किया हुआ इन्होंने। और ये रास्ता आगे किधर को जाता है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन चलिए देखते हैं क्या नज़ारा है इसका। और इस तरह से ये पुराने ज़माने के जो बर्तन वर्तन थे क्राफ्ट वो यहाँ पर है। सलाम अलैकुम, ये फालक शेख। सो दिस इज़ गाय मैन था फराज, सो ही इज़ नाउ वेयरिंग से हाय। He is wearing the old traditional Saudi uniform, right? What we call this one? Agalam Kassa. And this one Bissa, huh? So, thank you for your time. So, so ये चीजें यहाँ पे और ये इनका इस तरह से बैट का वगैरह था। तो आप देखें प्रिजर्व करके चीज़ों को जिन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। थोड़ी लाइट कम हो सकती है लेकिन अच्छा जगह है काफ़ी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों डिज़ाइन। और यहाँ पे हाय अस्सलाम वालेकुम। ये है दोस्तों यहाँ पे होल टाउन में ये जाने का रास्ता है छत पे। देखते हैं ऊपर में क्या है वैसे जाने के लिए, आपको भी ले चलते हैं। ये इस तरह से खंडहर है इनका, वापस जाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है यहाँ से। तो ये एक तरह से मार्केट है दोस्तों यहाँ पे सूक का। और यहाँ पे ओपन स्पेस डाउनटाउन के लिए है ये। तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या है। तो ये दोस्तों सीन ज़बरदस्त है, ओपन स्पेस है यहाँ पे क्योंकि इन्होंने रखा हुआ है कैफे, ओल्ड हिस्टोरिकल प्लेस से इन्होंने बनाए भी। तो ये चीज़ें हैं, शायद लाइट कुछ कम आती होगी लेकिन अच्छी चीज़ ये है। तो आपको टाउन की तरफ ले जाते हैं। वैसे भी आज सऊदी नेशनल डे है तो रश भी काफ़ी ज़्यादा है फिलहाल। और पीछे आगे शहर है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो का मज़ा लीजिए। हिफालत सो इस तरह से हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी उन्होंने जो है अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो आपको आगे भी ले चल रहे हैं और दिखाते हैं सारा मार्केट है आगे तक जिसको इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। मेरे लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है आगे चल के। तो ऐसे टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे वॉच करने के लिए, सारा का सारा फुल है। तो ये दोनों तरफ मार्केट है जो भी इन्होंने बचा के रखा है। और पीछे खूबसूरत सा पहाड़। तो यही है दोस्तों तक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप कुछ देखेंगे कि लड़कियां सऊदी का ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहने हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे इसके लिए। तो ये पुरानी बिल्डिंग है।